जिला अस्पताल सहित जनपद में 62 केंद्रों पर कुल 7,876 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 2,399 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 5,477 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में कुल 41,80,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का डोज लगाया गया है। बुधवार को जनपद में कम सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने जनता से अपील किया है कि जो भी लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराए वह अपने सेंटर या जिला अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा लें, जिससे कोरोना महामारी से अपने जनपद को निजात दिलाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे जनपद में 62 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हम पूरे ज़िले में 31,80,000 से ज़्यादा का डोज लगा चुके हैं और 23,31,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज और 8,50,000 से ज़्यादा सेकंड डोज हम लगा चुके हैं। आज हमारे जनपद में मुख्य जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। आज चूँकि RI का भी सेशन है तो रूटीन इम्यूनाइजेशन भी चल रहा है, तो जनपद में कुछ कम जगहों पर हमारा कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है। यहाँ भी चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। जनपद से अपील है कि अभी भी कोरोना से वैक्सीनेशन से बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं, तो सभी लोग हमारे सेंटर पर आए, अस्पतालों पर आए, निःशुल्क टीकाकरण चल रहा है। बहुत अच्छा टीका है ये, इसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। लोग टीकाकरण कराएं और कोरोना से अपने को प्रतिरक्षित करें, जिससे कोरोना को हम लोग दूर भगा सकते हैं।